सर्वोदय नमस्कार ऑल ऑफ यू आई एम सिस्टर टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर प्रीवियस चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ प्रीवियस क्लास स्टूडेंट वी लर्न अबाउट द व्हाट इज मिक्सर कंपोनेंट हाउ इट इज व्हाट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सर व्हाट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सर प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर why we need the separation method use the separation method now today we use the method of separation so student we learned about what is the method of the separation to separate the mixture we have to such a properties of the component of a mixture as well other do not हम लोग किसी चीज़ को सेपरेशन करने के लिए उसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टीज़ वो यूज करता है कौन सा प्रॉपर्टीज़ से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं जो अदर जो उसके साथ जो मेटल है या और भी जो मिक्सचर में और भी कंपोनेंट है जो उससे बिलोंग नहीं करते हैं सच एज व्हेन वी सेपरेट फ्रॉम द आयरन एंड सल्फर पाउडर mixture so we separate the iron with the help of metal attracted properties iron is a metal attracted properties that why we separate from iron with the help of magnet then otherwise the rest powder is that is a sulfur particle Now the next method, first method is separation solid from the other solid. जैसे हम लोग solids को other solids से कैसे separate करते हैं First method is a freezing and bobbing. Freezing and bobbing is a process. जैसे कि after the wheat and rice crop is harvested, जैसे ही wheats और rice crops harvest हो जाता है तो grains को हम लोग separate करने के लिए first method use करते हैं तो ग्रेन को यूज़ करने के लिए हम लोग जो फर्स्ट मेथड यूज करते हैं द फर्स्ट इज़ टू सेपरेट द ग्रेन इज अ स्टॉल इज नोन एज थ्रेजिंग जो हम लोग ग्रेन का यूज करते हैं वो मेथड कहलाता है स्टॉक्स जो क्या कहलाता है दिस इज नोन एज थ्रेजिंग इट इज़ डन आइदर द ब्रीथिंग एंड द सॉल्ट ग्राउंड एंड द हार्ड सर्फेस बाई ट्रम्पलिंग एंड द हार्वेस्ट वीट राइस यूजिंग द एनिमल्स और बाई द मशीन ये क्या किया जाता है एनिमल्स और मशीन्स के थ्रू ये प्रोसेस किया जाता है जिसमें हार्ड सब्सटेंस होता है जो ग्रेन्स के कवर होते हैं जैसे राइस और वीट के जो कवर होते हैं एक दूसरे के साथ वो कवर को क्या कर देते हैं सेपरेट करने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं पूरे ग्राउंड में फैला देते हैं उसके बाद उसमें प्रेशर डालते हैं प्रेशर डालने से जो कोर्स होता है राइस का प्रेशर डालने से जो राइस का पोसेस होता है वो जो राइस के जो कवर्स होते हैं वो क्या होते हैं राइस को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं या वीट के जो ग्रेन्स होते हैं अंदर वो क्या होते हैं छोड़ना स्टार्ट हो जाता है तो कवर क्या हो जाता है लूज होना स्टार्ट हो जाता है और इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं जो वीट्स और राइस का जो कवर है उसको सेपरेट कर लेते हैं नेक्स्ट है द ग्रेन्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड क्लफ जिसको हम लोग क्लफ कहते हैं भूसा कहते हैं By using the properties of grain heavy than chaff, the mixture allowed from the fall and the height. Mixture को हम लोग जो separation mixer है उसको ऊपर से हम लोग क्या करते हैं नीचे की लाने का process करते हैं तो heavy grains जो होता है height हमारे पास आके separate हो जाता है और जो wind के help से जो light जो cover होता है जितने भी covers हैं grains के वो दूर जाके सेपरेट हो जाते हैं इस मेथड से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि जो हैवी ग्रेन्स एक तरफ इकट्ठा हो गया यानी कि जो हम लोग का इडेबल पार्ट है वो हैवी होता है और ग्रेन्स जितने होते हैं वो एक तरफ इकट्ठे हो गए और जो रेस्ट उसके जो कवर्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कैप्स कहते हैं वो अलग सेपरेट हो गया आपके बुक के फिगर में भी ये मैथड शो किया गया है दिखाया गया है तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं उसको सेपरेट कर देते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज अ वोबिंग ये प्रोसेस क्या होता है विंड वोबिंग कहलाता है कि विद द हेल्प ऑफ विंड विंड के हेल्प से क्या होता है हल्का चीज अलग दूर जाकर गिरता है और भारी चीज पास आके गिरता है तो इस मेथड से हम लोग इसको वोबिंग मेथड से फूड ग्रेन्स को अलग कर लिए नेक्स्ट है हैंड पिकिंग मेथड होता है जनरली जो हम लोग के घर में यूज होता है
जैसे हम राइस और पल्सेस यूज़ करते हैं अपने लिए खाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं उसको चूमते हैं, मतलब उसमें से स्टोन्स और अदर जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है उसको सेपरेट करते हैं। ये सेपरेट हम लोग क्या करते हैं, हैंड से करते हैं, मतलब जो अनवांटेड थिंग्स होता है उसको हम लोग हैंड के हेल्प से, हैंड से पिक करके उसको हटा देते हैं। ये प्रोसेस हम लोग किस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं, कलर, शेप, साइज के अकॉर्डिंग। जैसे पल्सेस, ऑल द पल्सेस इन येल्लो कलर, जितना भी पल्सेस है येल्लो कलर है। अब हम लोग क्या देखें, जो येल्लो कलर का नहीं दिख रहा है अनवांटेड सब्सटेंस है उसको उसके हेल्प से यूज किए, या फिर हम लोग देखते हैं उसको वो मेथड ना देखे दूसरे मेथड को देखते हैं, उसका साइज को देखते हैं। जैसे सारे पल्सेस डाल्स जो होंगे एक जैसे कलर में, एक जैसे साइज में, जो अननेसेसरी साइज है, तो ये जो हैंड पिकिंग मेथड होता है वो कौन से प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किया जाता है, कलर, शेप और साइज के। नेक्स्ट मैथड इज सीविंग। When we constituent a mixture is particle from the size and sleeve can be used to separate it. The size of the pores in the sleeve depend on the size of the particle of the constituent to be separate. ये method क्या यूज किया जाता है, सीविंग एक ऐसा method है जो हम लोग सेपरेट करते हैं किसी भी यूजफुल सब्सटेंस को किसके किस method से, साइज के अकॉर्डिंग। सपोज दैट जैसे हम लोगों ने देखा, अब जैसे सपोज दैट वेन वी प्रिपेयर टी, जैसे हम लोग टी प्रिपेयर किए उसको स्ट्रेटनर से, टी आफ्टर प्रिपेयरिंग द टी हम लोग स्ट्रेटनर से टी लीव्स को अलग कर लेते हैं। तो टी लीव्स क्या होता है, जो टीज की पत्तियाँ होती हैं, चाय पत्तियाँ होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं, वो क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल होता है, उसका साइज बड़ा होता है। बाकी क्या, लिक्विड होता है, तो लिक्विड क्या होता है, स्ट्रेटनर के हेल्प से नीचे आ जाता है और सॉलिड पार्टिकल अलग हो जाता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि ये साइज के अकॉर्डिंग। उसी तरह हम लोग देखते हैं घर में फ्लोर को हम लोग स्ट्रेटनर के हेल्प से सेपरेट करते हैं, जैसे उसमें अगर कुछ अनवांटेड थिंग्स है वो अलग सेपरेट होता है, जितना भी फ्लोर होता है वो नीचे आ जाता है। जैसे आटे का फ्लोर जिसको हम लोग आटा कहते हैं, आटा वगैरह उसको हम लोग स्ट्रेटनर के हेल्प से करते हैं, तो ये भी एक सेपरेशन का मैथड है, ये मैथड ही कहलाता है सीविंग। नेक्स्ट मैथड इज सेपरेशन इन द सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा मैथड है जो इनसॉल्युबल, जो पानी में ना घुल सके, वो वैसे सॉलिड को हम लोग लिक्विड से कैसे अलग करेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है, हैवियर होता है, जो भारी होगा वो क्या हो जाएगा, बेस में जाके बैठ जाएगा। इस सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के प्रोसेस है। फर्स्ट क्या होता है, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच हैवी पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज लिक्विड सेटल डाउन। हम लोग देखते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, हैवी पार्टिकल्स जितने होते हैं वो बेस में चले जाते हैं और लिक्विड क्या हो जाता है, हैवी पार्टिकल्स बेस में सेटल डाउन हो जाता है और लिक्विड ऊपर फ्लोट होता है। तो द पार्टिकल्स डैट सेटल डाउन इज नोन एज सेडिमेंट, और जो पार्टिकल्स जो बेस में बैठ जाता है वो क्या कहलाता है, सेडिमेंट कहलाता है। डिसेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिंग आउट द लिक्विड फाइंड आउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंटेशन। डिसेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेडिमेंट जो बच गया, यानी कि बेस में जो इम्प्योरिटी, जो बेस में जो बचा हुआ सब्सटेंस है उसको हम लोग को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज करेंगे वो प्रोसेस कहलाता है डिसेंटेशन। डिसेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिंग आउट द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंटेशन। डिसेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है बिना सेडिमेंट को, सेडिमेंट मतलब जो पार्ट्स बच गया है नीचे, वो अभी ने मैंने बताया, उस पार्ट्स को बिना डिस्टर्ब किए लिक्विड को अलग कर लेना डिसेंटेशन कहलाता है। जैसे आपके फिगर नंबर 5.5 में दिखाया गया है कि विद द हेल्प ऑफ कुछ आयरन और थिंग्स, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज फिल्टरेशन। फिल्टरेशन इज द टू सेपरेट द टी लीव्स। ये टी लीव्स वाला जो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, जो सेपरेट करते हैं टी को, ये फिल्टरेशन कहलाता है, जो जिससे हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड्स को स्ट्रेटनर के हेल्प से अलग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फिल्टरेशन कहलाएगा। फिल्टर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हम लोग ईजी वे में फिल्टर कर लेते हैं। द टी लीव्स ऑफ द लीव बिहाइंड द स्ट्रेटनर एंड द लिक्विड फ्लो आउट द प्रोसेस इज नोन एज फिल्टरेशन। ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, फिल्टरेशन कहला रहा है, टी लीव्स को स्ट्रेटनर से अलग करना।
अब हम लोग देखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मड आर 2 फाइन. अगर हम लोग सॉल्यूबल देखते हैं पार्टिकल्स मड का, मड बहुत ही फाइन होता है. वो इन सॉल्यूबल होता है किसमें? वाटर में. तो इन सॉल्यूबल होने के कारण वो इसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जनरली लैब में यूज किया जाता है. इस तरह का एक छोटा सा सर्कल टाइप में पेपर होता है जिसका पोर बहुत ही फाइन होता है. ये लिक्विड को बहुत धीरे धीरे पास होने देता है. इसके फाइन पोर के कारण इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो भी प्योरिटीज़ होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, फाइन सॉलिड होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं. वाटर अलग हो जाएगा और जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा इस पेपर पे रह जाएगा. आपके फिगर नंबर 5.6 में फिल्टर पेपर का यूज किया गया एज ए सर्किल. इसको हम लोग शॉर्ट इस तरह से वी शेप में बना के यूज करते हैं इसको फोल्ड करने पर. नेक्स्ट मेथड इज लोडिंग. इफ द सब्सटेंस पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड इज वेरी फाइन. जब क्या होता है, सब्सटेंस पार्टिकल सॉलिड में बहुत ही फाइन होता है, देन दे टेक द वेरी लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन. वो क्या करता है, बहुत टाइम ले लेता है सेटल डाउन होने में. तो फॉर एग्जाम्पल द पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड मडी वाटर. क्ले और मडी वाटर का जब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत फाइन. इसको हम लोग सेपरेशन करते हैं किस चीज़ के लिए? सेडिमेंटेशन टेक द वेरी लॉन्ग टाइम टू लोडिंग द मैटर स्पीडिंग फॉर इस सेडिमेंटेशन बाय द पार्टिकल्स हैवियर. हम लोग इस प्रोसेस सेडिमेंटेशन को प्रोसेस को जल्दी करने के लिए उसमें एक हैवियर पार्टिकल्स को ऐड करते हैं. जो हैवियर पार्टिकल्स क्या है? एलम. एलम किसको कहते हैं? फिटकरी को. ये क्या करता है, जैसे ही हम इस वाटर में डालेंगे तो वो क्या करेगा, पार्टिकल्स के साथ मिल जाएगा और मिलने के साथ वो हैवी हो जाएगा. हैवी होने पर देखते हैं फिर क्या होता है, नीचे जाके इसको जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या मडी पार्टिकल होते हैं बेस में जाके बैठ जाएगा और एलम क्या करेगा, वाटर को साफ कर देगा. ये आपका प्रोसेस है जो फिगर 5.7 में दिया हुआ है. जैसे ही देखते हैं हम लोग मडी क्ले में दिखाया गया फर्स्टली जो मैटर है मडी वाटर. मडी वाटर को हम लोग ले लिए. आफ्टर दैट जैसे ही हम एलम डाले वो धीरे धीरे वाटर को साफ करना स्टार्ट कर दिया. और नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं थर्ड प्रोसेस में क्या देख रहे हैं कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया. दैट मीन्स क्या हुआ, एलम क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल के साथ मिल के उसको और हैवी करके नीचे बेस में मेंटेन कर दिया. इससे देखते हैं कि हम लोग क्या हो गया, वाटर को सप्लाई प्योर वाटर पा लिए. नेक्स्ट प्रोसेस है एप्लीकेशन ऑफ मैथड ऑफ सेपरेशन ऑप्टेन ड्रिंकिंग वाटर. अब हम लोग देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है सेपरेशन करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर का. जो ड्रिंकिंग वाटर हम लोग जो यूज़ करते हैं, सप्लाई होता है, गवर्नमेंट हमारे होम्स तक सप्लाई करती है, तो क्या क्या करती है? टैप वाटर सप्लाई एट आवर होम इज़ फर्स्ट क्लीन इन अ वाटर वर्ल्ड. पहले जो टैप वाटर जो हम लोग के घर पे सप्लाई होता है वो पहले क्लीन किया जाता है. उस क्लीन करने के लिए फर्स्टली क्या किया जाता है, सेडिमेंटेशन और डिटेंजिटेशन किया जाता है. एक टैंक का यूज किया जाता है, वाटर को इकट्ठा किया जाता है. वहाँ पे क्या किया जाता है, पहले सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन का प्रोसेस कर लिया जाता है. उसके बाद क्या किया जाता है, एलम को ऐड किया जाता है, डैट मीन्स फिटकरी को ऐड किया जाता है. फिटकरी ऐड करने से क्या हो जाता है, जो लोडिंग बढ़ जाएगा उसका स्मॉल पार्टिकल्स जो है लोडेड हो जाएगा, मतलब हैवी हो जाएगा और बेस में चला जाएगा. नेक्स्ट है हम लोग फिल्टर बाय पासिंग थ्रू द सैंड फिल्टर. इसको फिर इस वाटर को नेक्स्ट टैंक में सप्लाई करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, फिल्टरेट किया जाता है. किससे? सैंड फिल्टर से. आपका ये डायग्राम में शो किया गया है. और इस सैंड फिल्टर्स को से पास कराने के बाद दूसरे टैंक में स्टोर करने पर उसमें क्या किया जाता है, क्लोरीनेशन किया जाता है. क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन को ऐड किया जाता है, डैट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग ऐड करते हैं, जो क्या करता है, जो जनरल जो जर्म्स बचे हुए, पहले तो हम लोग सेडिमेंट साफ सुथरा कर लिया वाटर को, अब क्या करेंगे, पीने लायक बनाने के लिए जितने भी जर्म्स है उसमें प्रेजेंट, उसमें क्लोरीन डाल के उस जर्म्स को किल कर देंगे. मतलब वो जो क्लोरीन ऐड होता है उसका ये फैसिलिटी होता है कि वो क्या करता है, जर्म्स को किल कर दे. इसके बाद वो क्या किया जाता है, एक जनरल टैंक में स्टोर किया जाता है. और यही टैंक से हम लोग का के वाटर घर में सप्लाई होता है. जैसे हमारे यहाँ पानी टंकी में के पास स्टेशन के पास बड़ा बड़ा टैंक बना हुआ है, जैसे हम लोग के घर में भी बना रहता है, उससे काफ़ी बड़ा, क्यों वो पूरे एरिया को सप्लाई करता है.
तो ये प्रोसेस जो होता है लास्टली उस टैंक में उसको स्टैब्लिश कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो पूरे पूरे एरिया में इजी वे में सप्लाई किया जा सके। नेक्स्ट मैटर इज सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्युबल सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट इवेपोरेशन, जैसे इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस फॉर द इवेपोरेट द वाटर एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इज सॉलिड पार्टिकल्स इज रेस्ट ऑन द बीकर। जैसे हम लोग देखते हैं सॉल्ट, सी वाटर में क्या है, सॉल्ट का प्रेजेंस ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस यूज करेंगे। इवेपोरेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा किसी क्वांटिटी में हम लोग क्या कर लेंगे सी वाटर को ले लेंगे, उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। हीट करना जैसे ही स्टार्ट करेंगे वाटर क्या होगा, वेपर बन के राइजेस होने लगेगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा और रेस्ट जो होगा सॉलिड जो पार्टिकल्स रह जाएगा वो क्या होगा सॉल्ट। क्यों? क्योंकि सॉल्ट तो वेपराइज नहीं होता है हीट पाने पे, वो क्या होगा नीचे बेस में बैठ जाएगा। इस तरह से हम लोग हर एक चीज़ को प्रॉपर्टीज़ देख के और उसके मेथड को यूज करके किसी भी चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन इज अ मैथड ऑफ ऑप्टेनिंग अ प्योर लिक्विड फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब डिस्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या किया जाता है, प्योर लिक्विड को वो ऑप्टेन किया जाता है। द सॉल्यूशन ऑफ हीटेड सो एंड द लिक्विड इज इवेपोरेट। इसमें क्या किया जाता है, सॉल्यूशन को क्या किया जाता है हीट किया जाता है, और हीट करने पे जो वेपर आता है उस वेपर को हम लोग क्या करते हैं कलेक्ट करते जाते हैं, उस वेपर को एक जार में कलेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही वेपर ठंडा हो जाता है तो वो प्योर लिक्विड जो होता है, वो जो लिक्विड बचा रहता है वो प्योर लिक्विड होगा। क्यों? क्योंकि जो वेपर बनता है वेपर जो होता है प्योर होता है, क्योंकि वो उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, और उस इम्प्योरिटी बिना वेपर को एक कंटेनर में डाल दिया वो जैसे ही ठंडा हो गया वो क्या हो गया एक तरह का प्योर वाटर सेपरेटेड हो गया। तो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं देखते हैं कि हम लोग क्या नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी लर्न अबाउट द रेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू इन टूडे लाइव क्लास एज वेल एज इन दिन this video class. Thank you so much.